गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 8, एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर ली थी। से प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने फॉर्मूले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखा दिए थे। हमें पूरी आशा है कि आपने लर्न कर लिए होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट हमें, तो क्या करना होगा स्टूडेंट, उसके लिए आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो स्टूडेंट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसे आप कर सकते हैं स्टूडेंट √27 को 3 to the power 3। स्टूडेंट रूट का मीनिंग होता है 1/2 power, और स्टूडेंट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, am^n इक्वल टू amn, तो ये आपका हो जाएगा 3 to the power, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 1/2, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3 to the power 3/2। ये स्टूडेंट हो गया आपका। अब देखेंगे स्टूडेंट आप सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना होगा। 1 5 6 का कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये होगा स्टूडेंट 3 से कैंसिल आउट, 3 13 एंड 13 1। तो क्या कर लें स्टूडेंट, इसे 4th root of 1 5 6 को आप कर लीजिए 2 to the power 2 into 3 into 13, 2 the power 1/4। तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट आप, सब ये पावर सब की स्टेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/4 इसकी भी पावर होगी, इसकी भी, इसकी भी, तो क्या कर लेंगे 2 to the power 2 into 1/4, 3 to the power 1/4 एंड 13 to the power 1/4। यहाँ स्टैंड 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/4 एंड 13 to the power 1/4, ये आंसर हो जाएगा स्टैंड आपका। स्टैंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रेडिकल्स। स्टैंड इन्हें जैसे nth रूट के फॉर्म में रखना है। ये 1/5 power है, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 5th। ओके स्टूडेंट, ये क्या कर सकते हैं, जो डिवाइड वाला पावर है स्टूडेंट 1/5, जैसे यहाँ 5 आपने 5th root कर दिया, ये जो डिवाइड में आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप इसे ले जाएंगे 8/5, या एक लाइन लिख लें पहले 8/15 to the power 3 to the power 1/5, और अब कर लीजिए स्टूडेंट ये आपका 5th power है, 5th root स्टूडेंट, और 8 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 5 1 2, और 15 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 7 5। देख लीजिए स्टूडेंट इतने आता है क्या, 2 2 5 15, 10 7 37। ओके स्टूडेंट इतना ही आएगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू आपको पता करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना होगा। कर लीजिए 100 250 225 5 5 जा 5 1 जा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट 2 to the power 2 into 5 to the power 2 to the power minus 3/2, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट आपका a to the power m into n equal to a to the power mn, और स्टूडेंट जब आप ये पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 to the power 2 into minus 3/2 into 5 to the power 2 into minus 3/2, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the power minus 3 and 5 to the power minus 3। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, ये पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप कर लेंगे
ए टू दी पावर माइनस एन इक्वल टू वन बाई ए एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये हो जाएगा स्टेंट आपका वन टू टू दी पावर थ्री इंटू वन बाई फाइव टू दी पावर थ्री, तो ये हो जाएगा स्टेंट आपका वन बाई एट इंटू वन बाई वन टू फाइव। आप इसे कर सकते हैं वन बाई एट फाइव से फोर्टी फोर, एट टू जै सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी टू कैरी होगा स्टेंट, एट वन जै एट एंड टू टेन, ऐसे स्टेंट इसे कर सकते हैं। स्टेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, सिंप्लीफाई में इसे करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए यहाँ स्टेंट आप ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम प्लस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा थ्री वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू। इसे स्टेंट ऐड करना है, ऐड करना आपसे अच्छे से आता है टू वन प्लस थ्री, तो ये स्टेंट हो जाएगा आपका फोर बाई टू, टू टू जा फोर, तो ये बचेगा स्टेंट थ्री टू दी पावर टू, और नाइन इसे लिख सकते हैं स्टेंट 64 के स्टेंट, इन सब के 64 64 64, ये सब का क्या पावर सेम है स्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें पहले तो 64 टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 3, तो ये हो जाएगा स्टेंट आपका 64, 3 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा स्टेंट ये 3 है माइनस 4 64 टू दी पावर माइनस वन बाय थ्री, और ए टू दी पावर माइनस एन इक्वल टू वन बाई एन कर सकते हैं आप, पॉजिटिव पावर कर सकते हैं इसे ए बाई एन, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका वन बाय 64 टू दी पावर वन बाई थ्री, और अगर आप स्टूडेंट 64 को लिखना चाहें तो ये होता है वन बाय 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 1 बाई 3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट वीडियो पॉज करके आप ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, मैं रफ कर दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन, देखिए यहाँ 1 बाय ये 1 बाई 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 3 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 3 1 बाई 3, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट आपका 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 1 बाई 4। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं 0.09, पॉइंट रिमूव कर लेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में टू डिजिट हैं तो 100 आ जाएगा 3/2, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट 3/3 टू दी पावर 2, और 100 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2 3/2, तो स्टेंट क्या होगा ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ए एम एन, यानी इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 3/2 टू टू दी पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 बाय 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, तो स्टूडेंट आप इसे इस कंबाइंड फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट सबका 3 टू दी पावर 3 27, 2 टू दी पावर 3 8, 5 टू दी पावर 3 1 25, और इनका मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट ये आ जाएगा 1027/1000। सेकेंड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट आप, ये स्टेंट ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 3/1/2/5 कितनी डिजिट है स्टेंट राइट साइड में 1/2/3/4/5, ये रिमूव करेंगे तो 1/2/3/4/5 माइनस 2/5 स्टेंट,
अगर आप ये जो फ्रैक्शन बना है, अगर आप चलिए पहले से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 5 2 10, फाइव सिक्स या 30, 5 2 5 6 30, क्या बचा? 1 बचा, और 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं स्टूडेंट, 125/4000 -2/5 और कैंसिल आउट हो जाएगा स्टैंड। ये 5 8 40, 5 2 10, 5 5 25, 25 3 25 3 स्टैंड, यहाँ बचा 5 25 3 75, यहाँ बचा स्टैंड 5 50, 25 2 जा, तो स्टैंड ये आपका हो गया 1/32 -2/5। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 1 - 2/5 एंड 32 - 2/5, तो सेट ये तो 1 ही रहेगा। अगर आप इसे ऊपर ले जाएं a माइनस n वाले फॉर्मूले से, 1/a - n, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसे पॉजिटिव कर लेंगे, 1 का तो 1 ही हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो जाएगा 32 2/5, और 32 के स्टूडेंट आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर होंगे स्टूडेंट इसके 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 1 2 3 4 5, 2 2 5, 2/5, 2 2 5, 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 मीन्स 4। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये वाला शुरू करेंगे स्टूडेंट, a^m^n, amn वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 × 4, x^-12, a-n क्वेश्चन 1/an लिख सकते हैं आप। तो ये आपका डेनोमीटर में से ले जाएंगे, 1/x^12 इसे लिख सकते हैं। ये वाला देखिए स्टूडेंट, 3 और 3 मुझे अलग दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, ये 1/6 जो पावर है ये एक्स की है, यहाँ भी 7/6 पावर एक्स की है। तो स्टूडेंट मैं ये जो न्यूमेरल वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 3 3 9, और x^1/6 +7/6, कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया स्टूडेंट, a^m (a^n) am प्लस एन वाला स्टूडेंट, 9x 6 1/7, 9x 8/6, 9x 2 4 8, 2 3 6, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।